हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे हमारे यंग माइंड एजुकेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और वो बच्चे 6th to 10th क्लास के बीच में आते हैं। जैसा आप जानते हैं, आपको जो नोट्स हैं, यानी कह सकते हैं बुक्स की चीज़ें हैं, वो तो हम आपको देंगे, बट स्टेशनरी आपको खुद से ख़रीदनी होगी। कॉपी, पेज, जो कलम वगैरह होती है, वो सारी चीज़ आपको ख़रीदनी होगी। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप इसको जल्द से जल्द ले आइए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो पोर्शन है, फेयर कॉपी और रफ़ कॉपी। तो आपकी फेयर कॉपी अलग बनेगी, आपकी रफ़ कॉपी अलग बनेगी। ये चीज़ आप समझ गए। रफ़ कॉपी आपकी कोई भी कॉपी चल जाएगी जिसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ हो, या फिर आप किलो वाली कॉपी ले लो, या फिर कोई भी कॉपी चल जाएगी रफ़ कॉपी। इसमें कोई कंपलसरी कॉपी नहीं है। बट जब बात करें फेयर कॉपी की, तो फेयर कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैथ की अलग, फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी अलग अलग कॉपी होनी चाहिए। हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज स्पोकन, प्रैक्टिकल कंप्यूटर, GK, करंट अफेयर, फिजिकल एजुकेशन, सबकी अलग अलग कॉपी होनी चाहिए, अच्छी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल यही कॉपी में आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगले साल अगर आधी कॉपी आपकी बची है तो आपको नई कॉपी लेना होगा, ऐसा मामला नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको सारी चीज़ शॉर्टली बताऊं, तो आपको दो टेस्ट कॉपी ले लेना है, जिसमें जब तक हम आपको डायरी अलॉट नहीं करवाते हैं, आपको डेली होमवर्क लिखना होगा, चाहे जिस क्लास के बच्चे हों। दूसरी चीज़, आपको कुछ ऐसी फाइल्स ले लेनी है, मैंने 8 फाइल लिखी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ये फाइल लेने का पीछे मतलब ये है कि आपको जो भी मैं नोट्स वगैरह दूंगा, आपको उसको अपनी फाइल के अंदर रख लेना है, जो सेफली पड़ा रहेगा। कॉपी में लिखी हुई चीज़ से ज़्यादा आपकी फ़ाइल में जो प्रिंटेड चीज़ है उसका वैल्यू होगा, क्योंकि उसी को पढ़ के आप अपना पेपर दोगे। इसके बाद आपको 22 हिंदी वाली कॉपी चाहिए, छोटी वाली कॉपी ले लोगे चलेगा, बट अगर आपके पास रफ़ कॉपी पुरानी कुछ पड़ी है, तो आप 22 में से इतनी कॉपी माइनस कर लेना और केवल फेयर कॉपी अच्छी बना लेना। पेंसिल कलर, वाटर बॉटल, या जिस क्लास के बच्चे हो, अपनी अपनी वाटर बॉटल खुद लाइए, बड़ी बॉटल लाइए, किसी और से शेयर ना करिए, ये चीज़ समझ लीजिए ध्यान से। इसके अलावा अपनी स्टेशनरी लेके आइए। होप ये सारी चीज़ आप लेके आओगे, और इसके अलावा आप पढ़ाई में मन लगाओगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ये कॉपी बना के आप अपना काम स्टार्ट करोगे। याद इस बात का रखना है, हर संडे जब आपका पेपर होगा, उसी दौरान आपका जो है कॉपी भी चेक होगा। तो कॉपी बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होप आप सब चीज़ समझ गए होगे। थैंक यू।